की अगली बड़ी खबर का पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी। गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। कई अहम मामलों पर चर्चा की जाएगी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी, सीएम हाउस में ये बैठक होनी है। दोपहर 11 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी और गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। कई अहम मामलों पर चर्चा की जाएगी। 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। अगर आपको याद हो तो लगातार पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको लेकर सरकार काफी सजग है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर है। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनल बैठक बुलाई है। इसमें गृह विभाग के जो अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे और खासतौर पर हाल के दिनों में जो विधि व्यवस्था सहित अन्य जो मुद्दे हैं उस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से सर्वे बिहार में हो रहा है, सर्वे को लेकर के जो विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कई जगहों पर, उसके अलावा जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह इंटरनल बैठक बुलाई है जिसमें जो गृह विभाग के जो अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार में विधि व्यवस्था से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो भी देखेंगे कि अलग अलग जिलों की कि किस जिले में क्या परेशानी है, क्योंकि कई जगह पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं, कई जगह अधिकारियों के बड़े पैमाने पर फेरबदल भी हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्य बिंदु जो है वो विधि व्यवस्था है कि आखिर बिहार में लगातार प्रयास के बावजूद भी विधि व्यवस्था कैसे कायम रहे और उसमें कोई गड़बड़ी न हो, ये इन चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज यह बैठक बुलाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बैठक में जो कुछ भी जानकारी निकल कर सामने आएगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।